बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आई एम हेयर डाइटिशियन फायका। आज का जो मेरा मेरा इससे पिछले जो लेक्चर था वो वाइटामिन ए के पे था, और आज का जो लेक्चर है वो वाइटामिन डी पे है। ठीक है, वाइटामिन डी की केमिस्ट्री, उसके हम सोर्सेज के बारे में बात करेंगे, उसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, और फिर उसकी डेफिशिएंसी और उसका ट्रीटमेंट देखेंगे, और टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलती हूँ मैं। यहाँ से पेन भी ले लूँ ताकि पता लग करे। वाइटामिन डी रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ फैट सोलूबल वाइटामिन आर स्ट्रक्चरली रिलेटेड स्टेरोल। हमारे पास जो वाइटामिन डी है वो अनदर टाइप ऑफ फैट सोलूबल वाइटामिन है। हमारे पास टोटल 4 फैट सोलूबल वाइटामिन होते हैं। ठीक है, आर स्ट्रक्चरली रिलेटेड स्टेरोल, जो स्टेरोल की तरह दिखते हैं। दीज कंपाउंड विच पोजेसिस प्रॉपर्टी ऑफ प्रिवेंटिंग ऑफ क्योरिंग रिकेट्स, इनके अंदर क्या एक खसूसियत होती है कि ये रिकेट्स से प्रिवेंट करते हैं। अब रिकेट्स क्या है ये अगली स्लाइड में आपको क्लियर हो जाएगा। बेसिकली रिकेट्स के बारे में अगर थोड़ा सा बताते चलूँ तो रिकेट्स हमारे पास डी फॉर्मिंग ऑफ बोन, बोन्स का सॉफ्ट हो जाना और हड्डियों का मुड़ जाना, ये रिकेट्स में आता है और ये एक डिजीज है। ठीक है, रिकेट्स इज डिराइव्ड फ्रॉम एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड रिकन मीनिंग ट्विस्ट। रिकन ओल्ड इंग्लिश वर्ड जिसे रिकन उससे निकला है, जिसका मतलब है ट्विस्ट हो जाना। बायोलॉजिकली वाइटामिन डी इज टर्म्ड एज कैल्सिफेरोल। बायोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से वाइटामिन डी को हम कैल्सिफेरोल भी कहते हैं। ठीक है, कैल्सी मीन कैल्शियम, उससे थोड़ा सा हो गया होगा, बट आगे पढ़ते हैं ज़्यादा क्लियर होगा आपको। वाइटामिन डी इज ऑल्सो नोन एज सनशाइन वाइटामिन। वाइटामिन डी को हम सनशाइन वाइटामिन भी कहते हैं। ठीक है, बिकॉज द स्टेरोल आर प्रेजेंट इन द स्किन कैन बी कन्वर्टेड टू वाइटामिन डी विद द हेल्प ऑफ यूवी लाइट रेज इमिटेड फ्रॉम द सन। अच्छा, हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग कहते हैं हम जी धूप में बैठेंगे हमें वाइटामिन डी मिलेगा, वाइटामिन डी मिलेगा। वो वाइटामिन डी हमें डायरेक्टली नहीं मिलता, हमारे स्किन में एक ऐसा कंपाउंड प्रेजेंट है जो जब सन की रेज उस पर पड़ेंगी तो वो उसको वाइटामिन डी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो वो कौन सा कंपाउंड है, वो स्टेरोल प्रेजेंट होते हैं हमारी जो स्किन के अंदर, स्किन के अपर पार्ट के ऊपर, जो जब उन पे सन की रेज, सूरज की शुआएं पड़ेंगी तो वो क्या करेंगी कि उसको कन्वर्ट कर देंगी वाइटामिन डी के अंदर। एम सी कॉलम वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु फर्स्ट यूज द टर्म वाइटामिन डी फॉर इट्स एंटी अर्थराइटिक एक्टिविटी इन द ईयर ऑफ 1925। एम सी कॉलम ने सबसे पहले इसकी टर्म रखी थी वाइटामिन डी की फॉर एंटी आर्थराइटिक एक्टिविटी, किसमें, 1925 में। ठीक है, एंटी आर्थराइटिक फैक्टर कौन सा है जो जिन्हें रिकेट्स हो जाता है तो उन्हें उसका एंटी दिया जाता है, एंटी पर्पज दिया जाता है। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन डी टू कॉजेज रिकेट, जिसमें वाइटामिन डी टू, अच्छा वाइटामिन डी की भी फर्दर टाइप्स हैं, वाइटामिन डी वन, वाइटामिन डी टू, वाइटामिन डी थ्री। तो जो वाइटामिन डी टू है अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो वो रिकेट्स कॉज करती है, विच इज़ अ डिजीज मेनली अकरिंग इन चिल्ड्रन, जो कि बेसिकली चिल्ड्रंस में रिकेट्स कहलाती है। और अगर यही डिजीज हमारे पास अडल्ट में हो जाए तो उसे हम ऑस्ट्रोमलेशिया कहते हैं। ठीक है, क्यों होती है, बाय सॉफ्टनिंग एंड बेंडिंग ऑफ बोन्स, बोन का सॉफ्ट होके बेंड हो जाना, उसे हम रिकेट्स और या ऑस्ट्रोमलेशिया कहते हैं। बट दिस कंडीशन रिस्पॉन्ड रैपिडली टू वाइटामिन डी, और ये किस वजह से हो रही है, हमारे पास वाइटामिन डी डी टू की डेफिशिएंसी से हो रही है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वाइटामिन डी, अब ये केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। वाइटामिन डी इन जनरल इज अ सिकोस्टेरॉइड जनरेटेड इन द स्किन व्हेन 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल लोकेटेड देयर इंटरेक्ट विद अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लाइक कॉमनली फाउंड इन सनलाइट। अब क्या होता है, हमारे पास वाइटामिन डी हमारी स्किन के अंदर जो प्रेजेंट होता है, जो प्रिकर्सर उसका प्रेजेंट होता है, वो 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल होता है। ये 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल इंटरेक्ट करता है हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, जो कि मेनली कहाँ प्रेजेंट, किस में है, सूरज की शुआओं से हमें मिल रही है। ठीक है, बोथ द एंडोजेनस फॉर्म ऑफ वाइटामिन डी डेट रिजल्ट फ्रॉम 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन। अब ये क्या करेगा कि ये कन्वर्जन करेगा वाइटामिन डी थ्री में, अगर तो देखें अब दो चीज़ों पे पड़ सकती है ना सूरज की शुआएं, या तो इंसानों पे पड़ रही है, मतलब मैं ओवरऑल एनिमल्स की बात करती हूँ, अगर या तो वो इन एनिमल्स पे पड़ रही है या फिर प्लांट्स पे पड़ रही है। ठीक है, प्लांट्स पे पड़ रही है, अगर वो प्लांट्स
वाइटामिन उस 70 हाइड्रोकोलेस्ट्रोल को कन्वर्ट करती है प्लांट्स के अंदर, तो वो वाइटामिन डी वाइटामिन डी थ्री में कन्वर्ट करेगी। अगर वो एनिमल्स में कन्वर्ट करी है तो वो वाइटामिन डी टू की फॉर्म में कन्वर्ट करती है। अब वाइटामिन डी थ्री और डी टू है क्या? वाइटामिन डी थ्री हमारे पास कोली कैल्सिफिरोल है एंड द प्लांट ड्राइड फॉर्म, ये प्लांट में है। और वाइटामिन डी टू एगो कैल्सिफिरोल आर कंसिडर्ड द मेन फॉर्म ऑफ वाइटामिन डी, आर फाउंड इन वेरियस टाइप ऑफ फूड्स फॉर डेली इनटेक। सॉरी, वाइटामिन डी थ्री हमारे पास एनिमल्स में और वाइटामिन डी टू हमारे पास प्लांट्स में प्रेजेंट है। ओके, अब क्लियर हो गया होगा। और जो मेनली हम अपनी फूड्स से डेली इनटेक, डाइटरी सोर्स से इनटेक कर रहे होते हैं, वो हमारा वाइटामिन डी टू है। ठीक है, स्ट्रक्चरली एगो कैल्सिफिरोल डिफर फ्रॉम कोली कैल्सिफिरोल। अब इन दोनों का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वो क्या डिफरेंस होगा इनके स्ट्रक्चर में? इट डेट प्रोसेस अ डबल बॉन्ड बिटवीन C22 एंड C23। C22 और C23 के दरमियान एक डबल बॉन्ड होगा और एडिशनली एक मिथाइल ग्रुप होगा, वो होगा C24 पे। फाइनली एगो कैल्सिफिरोल इज फार्मालॉजिकली लेस पॉटेंट देन कोली कैल्सिफिरोल विच मेक वाइटामिन डी थ्री द प्रेफर एजेंट फॉर मेडिकल यूज। हमारे पास जो वाइटामिन डी थ्री है वो हम मेडिकल यूज में ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ वाइटामिन डी मस्ट बी अप हेल्ड इन द बॉडी इन ऑर्डर टू मेंटेन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लेवल। हमारी बॉडी में एक बैलेंस लेवल वाइटामिन डी का क्या कर रहा होता है? वो कैल्शियम को मेंटेन कर रहा होता है, फॉस्फोरस लेवल को मेंटेन कर रहा होता है इन अ हेल्दी फिजियोलॉजिकल रेंज टू सस्टेन अ वराइटी ऑफ मेटाबॉलिक फंक्शंस, जिसमें हमारे बहुत से फंक्शन मेटाबॉलिक फंक्शंस इनरोल्ड हैं, हमारे ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन इन्वॉल्व है और बोन की मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व है। ओह, बैटरी लो है मेरी बिल्कुल। सुबह से यूनिवर्सिटी गई और अभी मैं आई हूँ, आई थिंक 7:30 का टाइम होगा। तो आते ही बस सिर्फ मैं फ्रेश हुई हूँ और मुझे घर वाले कह रहे थे कि आप खाना खाओ। देन आई सेड कि नहीं, लेक्चर देना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आगे रमज़ान आ जाएगा, मेरे मिड टर्म्स आ जाएंगे और मैंने ये सोचा है कि मैं अब पहले से ही लगा दूँ, मतलब वीडियोस डाल के। वाइटामिन ए की लगा दी थी, वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। और ये वाइटामिन डी है बिकॉज अच्छा, इसके वाइटामिन देने के लेक्चर्स मेरा बेसिकली सिर्फ ये पर्पस है, बहुत सी चीज़ों का हमें नहीं पता होता। ठीक है, अब जैसे रमज़ान है या मैं ओवरऑल साल की बात करूँ, हमें चीज़ों की अहमियत का अंदाज़ा हो कि हम अगर कोई चीज़ नहीं खा रहे और उसमें वो चीज़ प्रेजेंट है, हम फैट्स ले रहे हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, हम लिपिड्स ले रहे हैं, हर चीज़ ले रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, हमें कोई स्पेसिफिक चीज़ जिसमें अल्लाह ताला ने हर चीज़ में गज़ाइत रखी है, अल्लाह ताला ने हर चीज़ के फ़वाद रखे हैं इंसान के लिए। और अगर आपको पता है, एक छोटी सी चीज़ है वाइटामिन के, हमारे पास वाइटामिन्स हमारे पास इसेंशियल और नॉन इसेंशियल वो टाइप है, लेकिन देखें अगर कोई चीज़ आपको नहीं, आपकी छोटी से छोटी चीज़ भी आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो, पता है कितने ज़्यादा मसले खड़े कर सकती है। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ में कज़ायत रखी है, उसने अपनी रहमतें नाजिल की हैं, तो हर चीज़ से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। मैं देख रही थी मुझे कोई मिले तो मैं उससे पानी मंगवाऊँ बिकॉज मेरा गला बस लेक्चर ख़त्म करके इंशाल्लाह फिर खाना वगैरह खाते हैं। ओके, ये है स्ट्रक्चर, ये है एगो कैल्सिफिरोल का और ये है कोली कैल्सिफिरोल का। ये जो एगो कैल्सिफिरोल है और ये है कोली कैल्सिफिरोल, ये इनके अब स्ट्रक्चर में अगर आप देखें, मैंने बात की थी कि एगो कैल्सिफिरोल में C22 और C23 के दरमियान एक डबल बॉन्ड होगा और C24 पे एक एडिशनली मिथाइल ग्रुप होगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ना एडिशनली मिथाइल ग्रुप है और ना ही यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड है। ये है कोली कैल्सिफिरोल का स्ट्रक्चर, बाकी ऑलमोस्ट हर सारा स्ट्रक्चर सेम है। ओके, अब बात करते हैं कि इसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं कि किस तरह से होता है। तो वाइटामिन डी थ्री कैन बी प्रोड्यूस फोटोकेमिकली बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट और अल्ट्रा वायलेट रेज फ्रॉम द प्रिकर्सर स्टीरोल 70 हाइड्रोकोलेस्ट्रोल। अच्छा, वाइटामिन डी थ्री हमारे पास प्रिकर्सर है, वो कैसे बन रहा होता है कि फोटोकेमिकली बाय एक्शन ऑफ सनलाइट, हमारी सनलाइट से जो रेज आ रही हैं वो पड़ेंगी हमारे प्रिकर्सर पे। प्रिकर्सर कौन सा है? स्टीरोल 70 हाइड्रोकोलेस्ट्रोल। अब वो कहाँ पे? हमारी स्किन की एपिडर्मस पे प्रेजेंट होता है, और मतलब हमारे जो हायर एनिमल्स की एपिडर्मस स्किन पे प्रेजेंट है। द चीफ स्ट्रक्चरल प्रिक्वेस्ट्रेस फॉर प्रो वाइटामिन डी इज दैट इट बी अ स्टीरोल विद अ D5-7-dien डबल बॉन्ड सिस्टम इन रिंग बी। अब क्या होता है,
इसको मैं पूरा रीड करती हूँ। द कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम इन द स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ द मॉलिक्यूल अलाउ द अब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट क्वांटा एट सर्टेन वेवलेंथ इन द यूवी रेंज। दिस कैन बी रेडली बी प्रोवाइडेड मोस्ट जियोग्राफिकल लोकेशन बाय नेचुरल सनलाइट। हमारी वही बात हो गई कि हमारी, अच्छा ये जो D5 के ऊपर 7-9 डबल बॉन्ड है हमारी बिंगरी के अंदर, प्रो वाइटामिन डी जिसे हम 7-डिहाइड्रोक्लोस्ट्रोल भी कह रहे हैं, प्रोमीन बिफोर, ठीक है। उसमें क्या होगा कि उसके ऊपर स्पेसिफिकली उस पॉइंट पे जाके यूवी रेस पड़ेंगी और उसके बाद बाकी फर्दर रिएक्शन होगा। द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डेट अल्टीमेटली रिजल्ट इन द अपेयरेंस ऑफ वाइटामिन D3। दस इट इज इम्पॉर्टेंट टू अप्रिशिएट डेट वाइटामिन D3 कैन बी एंडोजीनियसली प्रोड्यूस एंड एज लॉन्ग एज द एनिमल और ह्यूमन डेट असिस्ट ऑन रेगुलर बेसिस ऑफ सनलाइट देर इज नो डाइट रिक्वायरमेंट फॉर द वाइटामिन। अगर हम लोग, जजाकल्ला, बहुत प्यास थी। ओके देखिए, अगर हम लोग एक स्पेसिफिक टाइम पे अपने रेगुलर बेसिस पे हम विटामिन डी को अगर सिर्फ सनलाइट से भी इंटेक करें ना, तो हमें उसको डाइटरी रिक्वायरमेंट से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें डाइट से ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम विटामिन डी को इंटेक करें, ठीक है। अब बात करते हैं कि विटामिन D1 क्या है। मैंने तो पहले बता दिया कि विटामिन D3 ये है, विटामिन D2 ये है, अब विटामिन D1 भी एक चीज़ है। वो क्या है? वो है इनफैक्ट विटामिन डी इज कॉन्टेनिंग मॉलिक्यूलर कंपाउंड ऑफ ल्यूमिस्ट्रोल एंड विटामिन D2 1:1 के अंदर। अब विटामिन डी दो चीज़ों से बन रहा होता है, एक रेशो होती है हमारे पास विटामिन D2 की जिसे हम कैल्सिफिरोल कह रहे हैं, और दूसरी रेशो है हमारे पास ल्यूमिस्ट्रोल। ये दोनों रेशो मिल के विटामिन डी बना रही होती हैं। अब मैं इनके सोर्सेज के बारे में बात करती हूँ कि इनके सोर्सेज क्या हैं। नॉट फाउंड नेचुरली इन मेनी फूड, हमारे पास मतलब फूड्स के अंदर इतनी ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है फूड्स के अंदर, ठीक है। लेकिन हमारी, क्योंकि हमारी बॉडी खुद ही से सिंथेसाइज कर रही है, नेचुरली सोर्सेज इंक्लूड, अगर इसके नेचुरल दूसरे सोर्सेज देखे जाएँ तो कोल्ड लीवर ऑयल, मतलब फिश के लीवर ऑयल में प्रेजेंट होती है। फैटी फिश स्पीशीज लाइक ईल, कैट फिश, सैलमन, ट्यूना, इन सब ये जो फिशेज की जो टाइप्स हैं इसमें ये प्रेजेंट होगी। मशरूम्स आर ऑल्सो ग्रेटर अमाउंट ऑफ वाइटामिन डी, मशरूम्स के अंदर वाइटामिन डी की ग्रेटर अमाउंट है जब वो सनलाइट से डायरेक्टली एक्सपोज होती हैं, ठीक है। और यीस्ट के अंदर भी थोड़ी बहुत अमाउंट एग्गोस्टेरोल की प्रेजेंट होगी। वेजिटेबल ऑयल्स, मिल्क एंड प्लांट फूड्स आर नॉट गुड सोर्सेज, मतलब हमारे पास वेजिटेबल ऑयल्स हैं, मिल्क है, और या हमारे पास कोई भी प्लांट फूड है, वो सोर्स नहीं है हमारे वाइटामिन डी के, मतलब हैं थोड़े बहुत लेकिन बहुत अच्छे सोर्स नहीं है। विटामिन डी इज़ आल्सो अवेलेबल फ्रॉम फोर्टिफाइड फूड विच सप्लीमेंट्स आर रिक्वायर्ड, न्यूट्रिएंट्स सच एज ब्रेड, सीरियल, मार्गरिन, ऑयल स्प्रेड, पेस्ट्रीज, योगर्ट्स एक्सेट्रा। कुछ अच्छा ये ना, अच्छा कुछ स्लाइड्स भी परेशानी ना, लेक्चर मेरा थोड़ा सा लंबा जा सकता है क्योंकि स्लाइड्स ज़्यादा, लेकिन स्लाइड्स में तकरीबन वही चीज़ रिपीट हुई हुई है। विटामिन डी इज़ नेचुरली प्रोड्यूस बाय द ह्यूमन बॉडी व्हेन एक्सपोज टू डायरेक्ट सनलाइट। हमारी बॉडी विटामिन डी नेचुरली बना रही है जब वो सनलाइट से डायरेक्ट एक्सपोज होगी। यू कैन ऑल्सो गेट इट वी आर फूड एंड सप्लीमेंट्स, बेसिकली हम इसको फूड और सप्लीमेंट से भी ले सकते हैं। यहाँ ये इसकी क्वांटिटी है, ये आप एक दफ़ा खुद देख लीजिएगा, ये मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बहुत हाई लेवल पे याद करनी पड़ती है। यहाँ ये पिक्चर में विटामिन डी के सारे सोर्सेस हैं कि विटामिन डी हमें सन से, सीरियल से, इन सब चीज़ों से मिला। एग्स आर रिच इन विटामिन डी, एग्स के अंदर विटामिन डी प्रेजेंट है। इसके अलावा मशरूम्स हो गए, और एक चीज़ मैंने और पढ़ी थी, अच्छा उसको बाद में देख लेते हैं। द बॉडी इट सेल्फ मेक वाइटामिन डी, वही बात कि हमारी बॉडी सेल्फ बना रही है। उसके अलावा चीज़, बटर, मार्गरीन, फोर्टिफाइड मिल्क जिसमें एडिशनली वाइटामिन डी डाला जाता है जो मार्केट से मिलता है। सीरियल्स आर फूड सोर्सेज ऑफ वाइटामिन डी। उसके अलावा सीरियल्स में भी वाइटामिन डी प्रेजेंट है, ये भी सोर्स, उसके बारे में यही सब कुछ बताया हुआ है। यहाँ से मैं आगे चलती हूँ। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस RDA क्या है विटामिन डी का इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में, इन्फेंट्स और जो चिल्ड्रंस होते हैं जो उनको 5 माइक्रोग्राम, टीनेजर्स
5 माइक्रोग्राम, एडल्ट्स जो 50 अप टू 50 हैं उनको भी 5 माइक्रो, बट 51 टू 70 टू 100 माइक्रोग्राम। अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती क्यों है? क्योंकि अबव द 25, 25 के बाद हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे पहले वह चीज़ स्टोर होना बंद होती है वो है कैल्शियम, ठीक है। उसकी वजह से हमारी बोन्स वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके अलावा लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट वुमेन्स, उसके अंदर भी 5 माइक्रोग्राम। वाइटामिन डी की डेफिशिएंसी, अब वाइटामिन डी की डेफिशिएंसी होती क्यों है? अक्सर इन स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस होते हैं, क्रॉनिक अल्कोहलिक्स, अल्कोहलिक्स में इन सम पीपल हु ओवर द इंटायर बॉडी, जैसे कि पर्दा फॉर रिलीजियस कस्टम, जिन्होंने अपनी पूरी बॉडी को कवर किया होता है। जेनेटिक डिफेक्ट्स इन द वाइटामिन डी रिसेप्टर, जिनमें वाइटामिन डी का जो रिसेप्टर होता है वो जेनेटिकली प्रेजेंट नहीं होता। इंडिविजुअल विद स्वेयर लिवर और किडनी डिजीज, वो लोग जिनमें स्वेयर टाइप ऑफ किडनी या लिवर डिजॉर्डर होता है, लाइक क्योंकि लिवर डिजॉर्डर क्यों होगा? क्योंकि जहाँ पे फिल्टर होने हैं हमारे वाइटामिन डी ने, जहाँ पे स्टोर होने हैं, अगर वही चीज़ नहीं तो हमें बॉडी से कैसे मिल रही है? इनसफिशेंट एक्सपोजर टू सनलाइट, जो सही तरह से सूरज की शुआएं नहीं ले रही उनमें हो सकता है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, ये किस तरह से आगे वर्क करती है? द कंज्यूम और बायोसिंथेसाइज वाइटामिन डी इज कन्वर्टेड टू इट्स एक्टिव फॉर्म इन द लीवर एंड किडनी। हम जो कंज्यूम करते हैं अपनी जो भी वाइटामिन डी को या जो भी हमारी बॉडी में बन रहा है, वो कन्वर्ट होता है अपने एक्टिव फॉर्म में हमारी किडनी में या लीवर में, ठीक है। द एक्टिव फॉर्म ऑफ वाइटामिन डी गेट ट्रांसपोर्टेड टू टारगेट ऑर्गन बाय बाइंडिंग टू अ कैरियर प्रोटीन, वाइटामिन डी बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। अब क्या होता है कि वाइटामिन जो डी की एक्टिव फॉर्म है, जब वो हमारे लीवर में एक्टिव हो जाता है, ठीक है, वो अपने टारगेट इशू के पास कैसे जाता है? सबसे पहले वो अपने कैरियर बाइंडिंग प्रोटीन, जो उसे वाइटामिन डी बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं, उनके साथ पहले बाइंड करता है हमारे प्लाज्मा के अंदर, उसके बाद वो जाता है अपने टारगेट टिश्यू के पास। लेकिन उससे पहले क्या है, द ट्रांसपोर्टेड वाइटामिन डी बाइंड टू वाइटामिन डी रिसेप्टर। और ये जो ट्रांसपोर्टेड वाइटामिन डी है, ये सबसे पहले रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा टू फॉर्म कैल्सी ट्रायोल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। एक कैल्सी ट्रायोल, तीन तरह के कंपाउंड बन गए, एक है वाइटामिन डी, एक है वाइटामिन डी बाइंडिंग प्रोटीन, और एक है वाइटामिन डी रिसेप्टर्स। ये तीनों विच लेटर ऑन रिएक्ट विद डीएनए टू प्रोड्यूस, जब वो डीएनए के जाके रिएक्ट करेंगे और क्या बनेंगे, प्रोड्यूस कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन एंड एनहांस द अब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन। अब पता लगा कि वाइटामिन डी और कैल्शियम का किस तरह लिंक है। जब ये तीन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया, ये डीएनए के साथ जाके रिएक्ट करेगा और कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन बनाएंगे, और कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन हमारे पास कैल्शियम आयन्स की अब्सॉर्प्शन को बढ़ा देंगे। जस्ट अ मिनट, मैं पानी पीऊँ। वाइटामिन डी रिसेप्टर्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज लाइक पोलीफ्रेशन ऑफ सेल एंड डिफ्रेंशिएशन। वाइटामिन डी के जो रिसेप्टर्स हैं वो और क्या करते हैं, वह हमारे सेल की पोलीफ्रेशन और डिफ्रेंशिएशन कर रहे होते हैं। कैल्सी ट्रायोल बाइंड विद सिस्टोलिक रिसेप्टर, कैल्सी ट्रायोल सिस्टोलिक रिसेप्टर के साथ बाइंड किया इंटेस्टाइन में हमारे पास, ठीक है, और कैल्सी ट्रायोल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना दिया। उसने रिएक्ट किया डीएनए के साथ, डीएनए के साथ रिएक्ट करने के बाद कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन बन गया, और कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा, इंक्रीज कैल्शियम आयन अब्सॉर्प्शन, उसने कैल्शियम आयन के अब्सॉर्प्शन को बढ़ा दिया। रिएक्ट किसको किया? रिएक्ट किसको किया? अच्छा, अब ये सारा, ये जो मैंने पिछले स्लाइड्स में बढ़ाया था, लेक्चर बहुत लंबा हो रहा जाना, और बच्चे वैसे ही बहुत थक जाते हैं कि इतनी बड़े लेक्चर हो, थोड़ी लेक्चर में समझ आ जाए। ओके, ये ऐसा, ये वाली डायग्राम देखो, 70-हाइड्रोकोलेस्ट्रोल मैंने बात की, प्रेजेंट है ना हमारी स्किन में, ठीक है, उसके ऊपर यूवी रेज ने रिएक्ट किया और कोली कैल्सीफ्रोल बना दिया वाइटामिन डी थ्री, और एर्गो कैल्सीफ्रोल वाइटामिन डी टू जो प्लांट में प्रेजेंट है। लीवर के अंदर गए, लीवर में उसने क्या कहते हैं, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हुआ कैल्सी डायोल 25-हाइड्रोक्सी वाइटामिन डी। ये बाद में गया किडनी में, किडनी से इसने आगे कन्वर्ट हुआ कैल्सी ट्रायोल में, कैल्सी ट्रायोल जब किडनी में जाके इसने रिसेप्टर के साथ कॉम्प्लेक्स में स्ट्रक्चर बनाया तो कैल्सी ट्रायोल एक्टिव फॉर्म ऑफ वाइटामिन डी जिसे हम कहते हैं, और 24-25 डाइहाइड्रोक्सी वाइटामिन डी। ये जो कैल्सी ट्रायोल है इसका क्या क्या फंक्शन है कि ये इंटेस्टाइनल अब्सॉर्प्शन ऑफ
कैल्शियम को बढ़ाता है। उसके अलावा पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन उसमें जो मेडिएटेड बोन की रीअब्सॉर्प्शन करवाता है और रेनल जो कैल्शियम आयंस एंड फॉस्फेट एक्सक्रीशन उसको कम कर रहा होता है। ये सेम यही चीज़ बताई है कि स्किन पे पड़ेगा, विटामिन D3 लीवर में जाएगा, वहाँ से 25 हाइड्रोक्सी D3 बनाएगा, किडनी में किडनी पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्शियम आयन की अब्सॉर्प्शन को बढ़ा रहा होता है। सेम वही चीज़, ये भी तकरीबन ऑलमोस्ट वही सारा स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन किया हुआ है। ये भी सेम चीज़ है। फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की फॉर्मेशन कैसे हो रही होती है हमारे स्किन के अंदर, वही बात पीछे जो उसमें बताई है। 7-DHC विटामिन D3 होता है और एल्कोकैल्सिफेरॉल विटामिन D2 होता है। ओके, लिवर में OH ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाता है। 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 स्टोरेज फॉर्म ऑफ विटामिन, हमारी जो लिवर में 3 मंथ्स के लिए स्टोरेज हो सकती है विटामिन डी की। किडनी में OH ग्रुप एडेड बाय 1-hydroxylase 125-dihydroxy विटामिन D3 और एक्टिव फॉर्म इसकी, ये इसकी एक्टिव फॉर्म होती है जिसे हम स्टीरॉयड हार्मोन भी कहते हैं। OH ग्रुप एडेड बाय 24-hydroxy और ये बाद में एक्सक्रीशन के लिए होता है। जो एक्टिव फॉर्म होती है वो उसके दूसरे फंक्शंस के लिए यूज हो रहा होता है और जो दूसरी डी एक्टिव फॉर्म होती है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है हमारी किडनी से। उसके बाद फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। फंक्शंस बोन डेवलपमेंट, सबसे पहले बोन डेवलपमेंट देख लेते हैं। तो कैल्शियम की अब्सॉर्प्शन हो रही होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, कैल्शियम की रीअब्सॉर्प्शन होती है हमारी बोन्स और किडनी में। मेंटेन कैल्शियम लेवल, कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है और फॉस्फोरस की अब्सॉर्प्शन करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद अगर हार्मोन्स में देखें तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं और सेल ग्रोथ को मेंटेन करता है। सेम यही बात कि 125 हाइड्रोक्सी डी जो हमारे पास एक्टिव फॉर्म बनती है विटामिन D3 की, वो हमारे पास इंटेस्टाइन किडनी और बोन में हेल्प आउट कर रही होती है। विटामिन डी अफेक्ट अब्सॉर्प्शन ऑफ डाइट्री कैल्शियम, हमारे पास जो विटामिन डी का इफेक्ट है वो डाइट्री जो हम कैल्शियम है उस पर कैसे इफेक्ट कर रहा होता है। 125 डायहाइड्रोक्सी बाइंड टू विटामिन डी रिसेप्टर, ऊपर बात की थी कि विटामिन डी के रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, इंक्रीज इन कैल्सी बाइंड एंड कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन को इंक्रीज करेगा। ठीक है, सेम वो साथ उसमें यही बताया हुआ, 125 इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ अल्कलाइन फॉस्फेट, अल्कलाइन फॉस्फेट की एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, हाइड्रोलाइसिस फॉस्फेट, ईस्टर बॉन्ड रिलीज फॉस्फोरस, फॉस्फोरस को इंक्रीज करेगा और इस तरह फॉस्फेट आयंस के कैरियर्स भी इंक्रीज होंगे। पैराथायरॉयड हार्मोन PTH को कैसे अफेक्ट करता है, कैल्शियम सेंसर प्रोटीन इन द थायराइड ग्लैंड, हमारे पास कैल्शियम, हमारे जो थायराइड ग्लैंड में कैल्शियम सेंसर प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं वो क्या करते हैं, डिटेक्ट लो प्लाज्मा कैल्शियम कंसंट्रेशन, जिस तरह हमारे प्लाज्मा में कैल्शियम की कंसंट्रेशन लो होती है तो उसको डिटेक्ट कर रहे होते हैं। अफेक्ट ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन यूरिन और किडनी में, इंक्रीज कैल्शियम रीअब्सॉर्प्शन, कैल्शियम की रीअब्सॉर्प्शन को इंक्रीज कर रहे होते हैं किडनी में और इंक्रीज फॉस्फोरस एक्सक्रीशन और फॉस्फोरस की एक्सक्रीशन को हमारी यूरिन और किडनी के थ्रू उसको इंक्रीज कर रहे होते हैं और स्टिमुलेट 1-hydroxylase एक्टिविटी इन द किडनी, जो 25-OH D की फॉर्म है वो 125-dihydroxy विटामिन डी में कन्वर्ट हो रही होती है हमारी किडनी में। PTH रिक्वायर्ड फॉर रीअब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन, एक्टिवेटेड कैल्शियम पंप ऑन द ऑस्टियोसिस्टिक मेम्ब्रेन और एक्टिवेट ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है, बोन फॉर्मिंग सेल उसको इंक्रीज कर रहा होता है। अब बात करते हैं बोन मेटाबॉलिज्म, इसमें क्या है कि ऑस्टियोक्लास्ट क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ बोन, बोन का ब्रेक डाउन होना, ये मैंने अगर बात की कि एक्टिवेटेड कैल्शियम पंप ऑन द ऑस्टियोसिस्टिक मेम्ब्रेन और क्या कर रहा होता है कि एक्टिवेट ऑस्टियोक्लास्ट बोन्स की ब्रेकडाउन कर रहा है, ऑस्टियोक्लास्ट बोन की फॉर्मिंग सेल होना। कैल्शियम रीअब्सॉर्प्शन, कैल्शियम का रीअब्सॉर्प्शन हो जाना, ड्राइव फ्रॉम स्टेम सेल डिफरेंशिएशन आफ्टर स्टिमुलेशन बाय विटामिन डी, ऑस्टियोक्लास्ट हमारे पास बोन फॉर्मिंग सेल है, सिक्रीशन कोलेजन विद कैल्सिफाइज, कैल्सिफाइज हो जाना, बोन कंटेनिंग 60-66% कैल्शियम बाइंड वेट, हमारे पास जितना भी हमारा टोटल वेट होता है उसके हिसाब से हमारी जो बोन्स उसमें 60-66% कैल्शियम प्रेजेंट है। ओके, अब हम बात करते हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्या है, कितनी रह गई,
यंग एनिमल्स उसमें क्या है कि रिकेट्स, उसमें रिकेट्स मैंने ऊपर फर्स्ट स्लाइड्स में आई थिंक बात की थी। फेलियर ऑफ बोन टू ग्रो प्रॉपरली, हमारी बोन ठीक से ग्रो नहीं हो पा रही होती, रिजल्टिंग बोर्ड लेग्स एंड नो कीज, हमारी हड्डियों का स्पेशली नीचे से लेग की मूवमेंट बेंड हो जाना, आउटवर्ड बोर्ड चेस्ट एंड नॉब ऑन रिब्स, हमारा जो चेस्ट है उसका बाहर और हमारी जो पीछे रिब्स हैं उसका बेंड हो जाना। ओल्डर एनिमल्स में क्या होता है कि ऑस्ट्रोमलेशिया एडल्ट फॉर्म ऑफ रिकेट्स, रिकेट्स की एडल्ट फॉर्म है, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, बेंडिंग ऑफ स्पाइन इन बोर्ड ऑफ लेग, स्पाइंस का हमारी बेंड हो जाना, बोन्स का सॉफ्ट हो जाना और लेग्स का बोर्ड शेप में आ जाना। ऑस्टियोपोरोसिस होता है, वाइटामिन डी प्ले इंपॉर्टेंट रोल अलॉन्ग विथ कैल्शियम, हमारा जो वाइटामिन डी है वो कैल्शियम के साथ बहुत रोल प्ले करता है, लॉस ऑफ वाइटामिन डी एक्टिविटी विद एडवांसिंग एज, हमारे पास जिस तरह जिस तरह एजड होता जाता है बंदा अबव 50 पहुँचता है तो क्या होता है कि उसकी जो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन होना वो बंद हो जाती है सबसे पहले। एसोसिएशन विद फ्रैक्चर मैनी वेरी सीरियस फॉर जेरियास्टिक, पोल्ट्री में डिक्रीज एग प्रोडक्शन एंड हैचबिलिटी, पोल्ट्री में क्या होता है कि अगर वाइटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो वो एग की प्रोडक्शन और हैचबिलिटी भी उनकी डिक्रीज हो जाती है और जो उनका एग का शेल होता है वो थिन हो जाता है। ये सेम इसमें यही बताया हुआ है कि कैल्शियम लॉस हो जाता है और ये वाली बीमारियाँ हो जाती हैं। वाइटामिन डी की डेफिशिएंसी दे सकते हैं कि इनमें बच्चों में ये इनकी जो लेग्स हैं वो बोर्ड डाउन हो गई हैं कि उनसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जाता। ये एक छोटी सी स्टोरी है कि ये 19 ईयर ओल्ड शाओलिंग है जो स्ट्रगल कर रही है रिकेट से, अपने इसके जेनेटिकली इशू था और इसकी हाइट जो है वो 2 फीट है। शी सफर्स फ्रॉम कंजेनिटल रिकेट्स बट द डेवलपमेंट डिजीज कैन ऑल्सो बी द रिजल्ट ऑफ वाइटामिन डी डिफिशेंसी, वाइटामिन डी की डिफिशेंसी से भी इसकी जो हाइट है वो 2 फीट है। रिकेट्स इन रिस्ट अनकल्सिफाइड लोअर एंड ऑफ बोन आर पोरस रेजिड एंड सॉसर शेप, वाइटामिन रिकेट्स इन 3 मंथ ओल्ड इन फैट, यहाँ से अगर आप यहाँ इस चीज़ को देखें यहाँ पे ये रिकेट्स है ठीक है। हीलिंग आफ्टर 28 डेज ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट हो रहा है तो यहाँ से इसमें और इसमें फ़र्क दिखे, ये आहिस्ता आहिस्ता हील होना स्टार्ट हो रहा है, अपनी ठीक तरह से अपनी सही शेप में आना स्टार्ट हो रहा है आफ्टर 41 डेज ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के बारे में दिखाया हुआ है। डिस्ट्रप्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ वाइटामिन डी फिजियोलॉजिकली पाथवे कैन रिजल्ट फ्रॉम वाइटामिन डी डेफिशिएंसी, किसी तरह से भी वाइटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो वो क्या होता है, बोन पेन, मसल वीकनेस, फॉल, लो बोन मैस, बोन का मैस कम हो जाता है और फ्रैक्चर्स की तरफ लेके जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस इज अ कॉमन डिजीज दैट इज एसोसिएटेड विद हाई रिस्क ऑफ फ्रैक्चर, ऑस्टियोपोरोफ्रैक्चर्स के केसेस में ऑस्टियोपोरोसिस कॉमनली है विच अकर्स लैक ऑफ वाइटामिन डी, जो वाइटामिन डी की डेफिशिएंसी से हो रहा होता है। ये एक इन्होंने एनिमल एनिमल दिखाया जिसमें काफ है जो जिसको रिकेट्स है, उसके अलावा ये हेन में दिखाया हुआ है, ये नॉर्मल हेन है और ये जिसे रिकेट की फॉर्म हुई है, रिकेट ड्यू डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन डी कैल्शियम और फॉस्फोरस इसकी डेफिशिएंसी से है। ये आप देख लें ऑस्ट्रिया, ये नॉर्मल पेल्विस है हमारा, ये बिल्कुल नॉर्मल पेल्विस है और ऑस्ट्रिया मलेशिया के केस में हमारा पेल्विस कितना बोर्ड डाउन और डीफॉर्म हो जाता है। फिजियोलॉजिकल रोल इम्पॉर्टेंट ऑफ वाइटामिन डी, मैं थक गई बाकी साथ बैठे मुझे मशवरे देखो कैसे दे रहे हो, सीरियसली आई एम टायर्ड, नहीं पढ़ा जाएगा। अच्छा, वाइटामिन डी इज ऑल्सो नोन एज हार्मोन इन्वॉल्व इन मिनरल मेटाबॉलिज्म एंड बोन ग्रोथ, बोन ग्रोथ की मिनरल की मेटाबॉलिज्म में और बोन ग्रोथ में एक अहम किरदार अदा कर रहा होता है। इसके अलावा इन द एब्सेंस ऑफ वाइटामिन डी डाइट्री कैल्शियम इज नॉट अब्जॉर्ब और एट ऑल एफिशिएंटली, वाइटामिन डी की एब्सेंस में हमारा जो कैल्शियम है वो डाइट्री जो हम कैल्शियम ले रहे हैं वो ठीक से
अब्जॉर्ब नहीं हो पाता. विटामिन डी स्टिमुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टिंग कैल्शियम ऑफ ल्यूमेन और इंटेस्टाइन. वही बात हो गई के रिसेप्टर्स होंगे, जब विटामिन डी कैल्सीट्रायोल बनेगा तो वो कैल्शियम आयन की अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है. द बेस्ट स्टडी ऑफ वाइट कैल्शियम ट्रांसपोर्टेशन इन कैल्सी बाइंडिन एंड इंट्रा सेलुलर प्रोटीन एट फेरर कैल्शियम अक्रॉस द इंटर चैनल एपिथीलियम. विटामिन डी टू एंड ईथिया बायोलॉजिकली इनएक्टिव वेरस मेटाबोलाइज मोटाबोलाइट्स 125 डायहाइड्रोक्सी कैल्सीट्रायोल. ये हमारे पास एक एक्टिव फॉर्म होती है जिसे हम कैल्सीट्रायोल कह रहे होते हैं. उसके अलावा ये सारी चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी हुई है, मैं मेन मेन चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ. बोन्स में हमारे पास द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इंक्रीज द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट. कैल्शियम और फॉस्फेट की डिपोजिशन को बढ़ा रहा होता है हमारे पास विटामिन डी, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर बोन फॉर्मेशन, जो बोन फॉर्मेशन में हेल्प आउट कर रही होती है. द प्लाज्मा लेवल ऑफ कैल्शियम ऑल्सो गेट इवेल्युएटेड बाई कैल्सीट्रायोल बिकॉज इट इन्हांस द मोबिलिटी ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस होम्योस्टेसिस. इन किडनी द विटामिन डी इन्हांस द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन एंड डिक्रीज देयर एक्सक्रीशन. किडनी के अंदर क्या होता है कि विटामिन डी की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाया जाता है और उसकी एक्सक्रीशन को डिक्रीज किया जाता है. दैट विटामिन डी इज एबल टू मेंटेन द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस होम्योस्टेसिस. इस तरह कैल्शियम और फॉस्फोरस का एक बैलेंस रहता है हमारी बॉडी में. विटामिन डी हैज़ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट मच ब्रॉडर दैट रोल इन मिनरल होम्योस्टेसिस एंड बोन ग्रोथ. ये सारी इन्होंने यही विटामिन डी के बारे में बताया हुआ, किस तरह मिलता है और उसका क्या फंक्शन है. एडवर्स और टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ विटामिन डी. विटामिन डी के टॉक्सिक इफेक्ट्स कौन से हैं? विटामिन डी एक्सेसिव एक्सपोजर टू सनलाइट. अगर हम ज़्यादा देर तक सनलाइट एक्सपोजर लें टू लॉड डी टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी एक्सेसिव अमाउंट में बनने लग जाता है. विटामिन डी टॉक्सिसिटी इज इन अनवाइटेबल द रिजल्ट ऑफ ओवर डोजिंग ऑन विटामिन डी सप्लीमेंट्स. अगर हम विटामिन डी सप्लीमेंट्स के ओवर डोजेज भी लें तो विटामिन डी टॉक्सिक हो जाएगा हमारी बॉडी में. विटामिन डी सप्लीमेंट्स आर अवेलेबल ट्रीटमेंट फॉर इंडिविजुअल विद डेफिशिएंसीज. उनके लिए जिनको डेफिशिएंसीज हैं सिर्फ मतलब वो यूज़ करें. हाउएवर इंजेक्शन ऑफ एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ विटामिन डी ओवर पीरियड ऑफ वीक और मंथ कैन सीवियरली टॉक्सिक टू ह्यूमंस और एनिमल्स. अच्छा, अगर आपने देखा होगा ये प्रैक्टिस, अगर डॉक्टर्स ने विटामिन डी के सप्लीमेंट्स देने हो तो वह एक टैबलेट मिलती है ग्रीन कलर की, वो उन्होंने 15 डेज का एक ट्रीटमेंट रखा होता है. बट दिस इज नॉट सो इन प्रैक्टिस कि अगर आप एक एक हफ्ते में हर रोज या हर एक दिन के गैप के बाद ले रहे हो. ऑस्टियोपोरोसिस और हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज. अच्छा, इससे होता क्या है कि हमारी जो आर्टरीज हैं वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे क्या हमारे ब्लड का फ्लो मेंटेन नहीं रहता. एनोरेक्सिया, मसल वीकनेस, नोजिया, वॉमिटिंग एंड डिप्रेशन और सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा डिप्रेशन रहने लग जाता है. ठीक है, और नेप्थ्रोस्क्लेरोसिस, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन किडनी और कैल्शियम की डिपोजिशन होने लग जाती है किडनी में, और डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन रेनल ट्यूब्यूल्स, उसमें डिपोजिशन होने लग जाती है हमारे पास कैल्शियम की. क्योंकि ऑब्वियसली जब स्टोर्ड होना है लिवर में होना है, उसके अलावा भी अमाउंट एक्सेसिव हो जाती है तो वो फिर और जगह पर स्टोर्ड होने लग जाएगी, जिसके एडवर्स इफेक्ट होंगे हमारी बॉडी पे. यूजेज ऑफ विटामिन डी, ये तकरीबन सारी वही चीज़ है, इसको आप खुद देख लीजिएगा. और बेनिफिट्स सेम, डाइजेशन में उसके क्या बेनिफिट्स हैं, और हम बस. थैंक्स फॉर वॉचिंग. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया. लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.